हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है मास परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड। कोई कंपाउंड है वो किन किन एलिमेंट से मिलके बना है, अगर उनकी हमें मास परसेंटेज फाइंड करनी है तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर हम फार्मूला भी लिखते हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.2, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। जो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, राइट। तो Na2SO4 के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, राइट, इनकी हमको मास परसेंटेज बतानी है, राइट। तो देखिए, जो हमारे पास मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, मास परसेंट बराबर है मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात हो रही होगी, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि जब भी परसेंटेज बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो है मास परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला है, राइट। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन वन मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए, हमारे पास जो ये कंपाउंड है, देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स जो हैं क्या क्या हैं सोडियम सल्फेट के अंदर। सोडियम सल्फेट के अंदर जो है Na2SO4 के अंदर जो है हमारे पास एक सोडियम एलिमेंट है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। तो हमने इनका जो है परसेंटेज बताना है, राइट। अब देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमें मोलर मास भी फाइंड करना पड़ता है जो भी कंपाउंड होगा। इसका मतलब Na2SO4 का पहले हमें मोलर मास फाइंड करना पड़ेगा। तो Na2SO4 का जो मोलर मास है, दैट इज़ गिवन बाय एक सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है 23, तो 2 सोडियम का कितना हो जाएगा, 2 × 23, प्लस सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे 4 एटम्स हैं, ये प्लस करके कितना हो जाएगा हमारे पास 64, ये हो जाएगा हमारे पास 142 ग्राम पर मोल, राइट। अब देखिए, हम मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सबसे पहले हम जो है परसेंटेज ऑफ सोडियम इक्वल है कितना मास है सोडियम का, 46, क्योंकि 2 सोडियम है कंपाउंड के अंदर Na2SO4, एक सोडियम का 23, तो 2 सोडियम का 46,
डिवाइड बाई मोलर मास हमने अभी फाइंड किया 142, 142 राइट, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32.39%। ओके, ऐसे ही जब हम परसेंटेज फाइंड करेंगे किसका, सल्फ़र का, और सल्फ़र के बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, तो वो भी हम इसी तरीके से फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र एक ही था, उसका जो मास है दैट इज़ 32 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाई 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22.54%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है 4 एटम्स हैं, 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाई 100 राइट। तो हमारे पास जो है ये कैलकुलेट करके 45.07% आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है आंसर है राइट, कि अगर हमने मास परसेंट जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का फाइंड आउट करना है प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट राइट। तो फॉर्मूला क्या है वो हमने आपको पहले ही बताया, ये फॉर्मूला है मास परसेंट फाइंड आउट करने का। जो कंपाउंड दिया है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पहले कंपाउंड का मोलर मास फाइंड कीजिए राइट, और मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद आप बाय यूजिंग फार्मूला परसेंटेज जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का फाइंड कर सकते हैं राइट। ओके, थैंक यू।